हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 5 और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एनसीईआरटी हाइलाइट्स। आज हमें शुरू करना है पेज नंबर 275 से, फ्रॉम द टॉपिक 17.5, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए शुरू करते हैं विद द टैगलाइन, एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगल आला। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. तो यहाँ हमें बताया कि ह्यूमन बींग्स के पास एक प्रॉपर एबिलिटी होती है जिससे कि वो अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी टिश्यूज़ के डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो अब हमें पढ़ेंगे कि वो कैसे रेगुलेट करते हैं। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। इसे मॉडरेट कौन करता है? न्यूरल सिस्टम। अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अब जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट कहाँ होता है, मेड्यूलर रीजन में। मेड्यूला रीजन कौन सा होता है ब्रेन का, ये सब आप न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको मेनली याद रखने की रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला रीजन में लोकेटेड है, और मेड्यूला रीजन किसका होता है, ब्रेन का होता है। नेक्स्ट लाइन इज अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स रीजन में। पोन्स भी ब्रेन का ही पार्ट है। वो किस चीज़ को मॉडरेट करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। आपसे उल्टा ही पूछा जा सकता है कि क्या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मॉडरेट करते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर के फंक्शंस को? नहीं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को। तो आपको इतनी इतनी माइन्यूट डिटेल्स पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट लाइन इज न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो अभी किस सेंटर की बात हो रही है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर की। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर से अगर कोई सिग्नल्स आएंगे तो वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देंगे ताकि ब्रीदिंग फास्ट फास्ट होने लग जाएगी, और देयर बाय वो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सा एरिया सिचुएटेड है रिदम सेंटर के आसपास, तो वो है कीमो सेंसिटिव एरिया। और अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए वो किस सेंटर के पास है, रिदम सेंटर के पास, वो किस किस चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट लाइन इज इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच दीज सब्सटांसेस कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर जिन सब्सटांसेस की बात करी गई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है ताकि वो नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाए रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर, ताकि इन सब्सटांसेस को एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट लाइन इज रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड द कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर द रिमीडियल एक्शंस। तो अब और रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में। ये भी चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को रिकॉग्नाइज करता है और नेसेसरी सिग्नल्स भेजता है रिदम सेंटर के पास। हमें पता है रिदम सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? मेड्यूला में। वो किस लिए भेजते हैं? ताकि वो रेमेडियल एक्शंस ले सके। अगर कुछ अभी भी एलिमिनेट नहीं हो पाए हैं तो वो भी बता देते हैं रिसेप्टर्स की ऐसे ऐसे दिक्कत है तो वहाँ पर सबको ठीक कर दीजिए। तो ऐसे बॉडी में भी पूरा प्रॉपर फंक्शन चलता है। नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। कई बार हम ना मतलब पढ़ते पढ़ते इतना ध्यान नहीं जाता, हम सोचते सिग्निफिकेंट है ऑक्सीजन का रोल, हर जगह तो PO2 पर डिपेंड करे थे। नहीं, रोल ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी रिदम को बनाने में क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज 17.6, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है और बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, दैट इज अस्थमा। तो आपको यहाँ पर ना डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, अभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो इनसे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और होते भी हर एक चैप्टर में 2-3 ही हैं। तो इन्हें तो अच्छे से आप कवर करना, प्रॉपर डेफिनेशन, सिम्टम्स, सब कुछ आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अस्थमा। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
किस चीज़ में मेन डिफिकल्टी होती है? ब्रीदिंग में. कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग एक प्रॉपर साउंड होती है जो वो प्रोड्यूस करती है अस्थमा में जब हमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है. क्यों होती है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन. मेन रीज़न आपको बताना चाहिए इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लामेशन होता किस चीज़ का है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई एंड दी ब्रोंकिओल्स, तो आपको इस एक लाइन में भी एक एक चीज़ का मतलब बताना चाहिए कि पहले अस्थमा हुआ, अस्थमा में मेन चीज़ क्या थी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग थी, उसने कैसी साउंड प्रोड्यूस करी, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करी, किस रीज़न की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से. इन्फ्लामेशन हुई कहाँ, ब्रोंकाई में और ब्रोंकिओल्स में. अब एक ना ये मतलब जो मैंने लाइन मेंशन की है, मे बी एट्रीब्यूटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन लंग्स, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब बहुत पहले आया हुआ था, तो ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं. लाइन आई हुई थी तो ये पूछा गया था कि किस डिसऑर्डर के बारे में है, तो वो थी अस्थमा के बारे में, तो ये आप भी नोट कर लेना. द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एम्फाइसीमा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर. पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्रोनिक डिसऑर्डर है या एक्यूट डिसऑर्डर है, और ये भी पता होना चाहिए क्रोनिक डिसऑर्डर होता क्या है. पहले तो हमें पता है कि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है. क्रोनिक डिसऑर्डर वो होता है जो बहुत टाइम तक चलता है, मतलब छोटा मोटा डिसऑर्डर नहीं है. इसका इलाज भी मतलब मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, काफ़ी टाइम तक चलने वाली बीमारी है ये. इन विच द एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज्ड, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वाली वॉल्स का डैमेज होता है, एल्वियोलर वॉल्स का. क्यों होता है? ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज. तो रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या हो जाता है, क्योंकि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई तो रेस्पिरेटरी सर्फेस का क्या होगा, वो कम हो जाएंगे. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज द सिगरेट स्मोकिंग. तो अभी जो सिगरेट स्मोकिंग है ये किस चीज़ का मेन कारण है, एम्फाइसीमा का. एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है. तो यहाँ पर भी आपको क्या क्या याद रखना है कि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाता है. ये मेनली होता किस वजह से है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, इसलिए हमें सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. कोई आसपास करते हैं तो उसे भी समझा देना चाहिए. अब तो आप पढ़ रहे हैं, उन्हें बता देना फिर एम्फाइसीमा के बारे में. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. यहाँ पर फर्स्ट लाइन मेंशन की हुई है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन. तो जो लोग जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मेनली वो इंडस्ट्रीज जो कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग से इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ जो हमारी बॉडी का होता है वो प्रॉपरली कोप अप नहीं कर पाता है जो सराउंडिंग्स हैं उनसे. तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. अब आगे लिखा हुआ है, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सपोजर करेंगे उस डस्ट से तो इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी और रेडनेस आएगी, लीडिंग टू फाइब्रोसिस. उससे क्या होंगी, फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोलीफरेशन ऑफ दी फाइब्रस टिश्यूज. ये आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, प्रोलीफरेशन ऑफ दी फाइब्रस टिश्यूज, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और बहुत ज़्यादा लंग को डैमेज होगा. वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क. ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए. तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, मेन तो ये करना है कि कैसी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को ये मेनली होता है, जो कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग से इन्वॉल्व है. क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो डस्टी इन्वायरमेंट होता है उससे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कोप अप नहीं कर पाता है. ज़्यादा टाइम तक अगर हम एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, जो कि फाइनली फाइब्रोसिस को लीड करता है. फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोलीफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कर्स ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव मास्क दे सकते हैं. ये फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. अब हम पढ़ेंगे समरी. समरी में पढ़ती जाऊंगी, जो एक्स्ट्रा लाइन लगेगी वो मैं आपको समझा दूंगी, आप भी पढ़ते रहना समरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी. तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद द सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल. तो सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, उससे वो एनर्जी बनाते हैं और वो कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट लाइन इज, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर. तो इसमें मेनली वो बताया कि जैसे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अलग अलग मैकेनिज्म होंगे जिससे कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे. हमने जो फर्स्ट पेज पर अलग अलग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स पढ़े थे उनके बारे में है.
नेक्स्ट इज वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग टू लंग्स एंड एसोसिएटेड एयर पैसेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन. हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर दो लंग्स होते हैं और बाकी के एयर पैसेज होते हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग बाय विच द एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इन विच इज नोन एज द इंस्पायरेशन एंड द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट विच इज एक्सपायरेशन. द मेन स्टेप क्या है, जो पहला स्टेप है वो है ब्रीदिंग, जिसमें कि हम एटमोस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं जिसे इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जो एल्वियोली की एयर है उसे हम बाहर छोड़ते हैं जिसे कि हम एक्सपायरेशन बोलते हैं. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस गैसेज थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स विच इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन आर द अदर स्टेप्स इन्वॉल्व. तो अब हमें यहाँ पर सारी ब्रीदिंग की प्रोसेस के वो पांचों स्टेप बताए हुए हैं जो हमने इस चैप्टर के थर्ड पेज पर पढ़े थे. अब आई होप सो आपको सबको धीरे धीरे ऐसे पेजेस रिकॉल होने लगे होंगे कि हाँ ये हमने उस पेज पर पढ़ा था, उस पेज पर. द नेक्स्ट लाइन इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम. तो किस मसल्स के थ्रू कैरी आउट होते हैं, इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम, ये हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर. तो हमने कौन सा डिवाइस पढ़ा था, स्पायरोमीटर, ये आपको ध्यान होना चाहिए, एंड आर ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट लाइन इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोली एंड टिश्यूज अकर बाय डिफ्यूजन. तो एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देयर सॉल्युबिलिटी एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन सर्फेस. तो आपको तीनों फैक्टर्स पता होने चाहिए किस किस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज दीज फैक्टर्स इन आर बॉडी फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द टिश्यू टू द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज. द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई. तो ये जो फैक्टर्स हैं फेवरेबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन के लिए. अपोजिट डायरेक्शन अब कौन सी है, टिश्यूज से एल्वियोलाई की तरफ डिफ्यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट लाइन इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन की तरह होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की तरह. नेक्स्ट इज इन द एल्वियोलाई वेयर PO2 इज हायर, ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इज ईजिली डिसोशिएटेड एट द टिश्यूज. वेयर द PO2 इज लो एंड PCO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन आर हाई. तब एल्वियोलाई में PO2 ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन बाउंड हो जाता है, लेकिन टिश्यूज में कम होता है, PCO2 ज़्यादा होता है, H+ भी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन से वो डिसोशिएट हो जाता है. नियरली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाई कार्बोनेट आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. In the tissues where PCO2 is high, it gets bound to the blood. Whereas in the alveoli where PCO2 is low, PO2 is high, it gets removed from the blood. तो यहाँ पर हमें परसेंटेज बताई हुई है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो वो आपको अच्छे से याद करनी है. फिर हमें बताया कि टिश्यू के साइड पर PCO2 ज़्यादा होता है जबकि alveoli में कम होता है. तो ये सारे फैक्टर्स भी हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट लाइन इज रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन. तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूलर रीजन में होता है, ब्रेन के अंदर. नेक्स्ट इज अ न्यूमोटेक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड अ कीमो सेंसिटिव एरिया इन द मेड्यूला कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म. न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स के अंदर होता है और वहीं पर एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है मेड्यूला के अंदर जो कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को ऑल्टर कर चुका है. इसके बारे में तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं मेन थ्योरी टॉपिक में. तो ये पूरा चैप्टर आज खत्म होता है. आई होप सो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो. कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अल्ट्रा प्रोमैक्स रिवीजन विद द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.